हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? सैटरडे को आपका मैं क्लास लिया था, ऑनलाइन क्लास। और उस ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि किस प्रकार जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स किस प्रकार ट्राइबल्स को लाइफ के अफेक्ट किए हैं, उनकी लाइफ किस प्रकार प्रभावित हुई है, ये पिछले टर्म पे मैं डिस्कस किया था आपके ऑनलाइन क्लास में। आपने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे ज़्यादा परेशान उन ट्राइबल्स से हैं जो ट्राइबल्स शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो हैं, यानी कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर से उधर खेती वो करते रहते हैं, एक जगह कहीं वो निश्चित तौर पर रहते नहीं हैं। कहा जाता है ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थे। परेशानी इस बात का था कि अगर आप एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे तब तो निश्चित तौर पर ब्रिटिशर्स जो रूल और रेगुलेशन बना रहे हैं वो रूल और रेगुलेशंस आपके यहाँ रहेगा, लेकिन जब आप इधर से उधर शिफ्ट करते रहेंगे तो आप रूल और रेगुलेशंस को कहाँ फॉलो कर पाएंगे। जब कोई इंसान एक जगह पे रहता है तभी तो वो रूल और रेगुलेशन फॉलो कर पाता है वहाँ पे। जब मैं कभी यहाँ कभी वहाँ, पता ही नहीं चले मैं कल कहाँ रहूँगा, तो कैसे रूल और रेगुलेशन आप उसके ऊपर थोप सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो शिफ्टिंग जो कल्टीवेटर्स थे इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके ब्रिटिशर्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को उन्होंने कि मतलब इनको मैं रोक लगा दूँ इधर से उधर, ये ना जा पाएँ, इसके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक लैंड सेटलमेंट लाया और लैंड सेटलमेंट के थ्रू इन्हें ज़बरदस्ती एक जगह सेटल करने की कोशिश की। हालांकि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स इनके बातों में नहीं आए, वो फिर भी इधर से उधर मूव करते थे, इसलिए इन्होंने उन्हें फोर्सफुल्ली ऐसा करने के लिए मजबूर किया कि आप एक फिक्स जगह पे हो जाइए। तो जो ऑनलाइन मैंने वीडियो सैटरडे को लिया उस वीडियो में मैं आपके यहाँ तक टॉपिक पढ़ा दिया था, यानी ये आपका सेकंड फर्स्ट पैरा मैंने कंप्लीट कर दिया था आपके इस हेडिंग का। इसमें कुछ वर्ड्स मैंने बताए थे आपको, एक वर्ड्स मैंने बताया था टीनेंट्स। टीनेंट्स क्या होते हैं? जो लैंड ओनर से लैंड ले लेते हैं और उस पर वो खेती करके अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं और फिर पैसा वो अदा करते हैं लैंड ओनर को, ये टीनेंट्स होते हैं, जो गरीब छोटे किसान होते हैं। ये सब पिछले टर्म पे मैंने आपका डिस्कस किया, क्लियर। आइए आप लेते हैं आपका सेकंड पैरा। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। मैंने क्या कहा, आपने झूम कल्टीवेटर्स के लिए निश्चित तौर पे लैंड सेटलमेंट तो जरूर लाया, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि झूम कल्टीवेटर्स को आप सेटलमेंट के जरिए बांध नहीं सकते थे। सेटल्ड प्लाउ कल्टीवेशन इज नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर एंड सॉइल इज ड्राई। आप चलो झूम कल्टीवेटर्स को आपने पकड़ा और उनको क्या किया, एक जगह सेटल कर दिया। तो ये थोड़े ही है कि पूरे इंडिया का हर एक लैंड फर्टाइल ही हो, कुछ ऐसे भी लैंड है जहाँ फर्टिलिटी नहीं हो, यानी वो फर्टाइल लैंड ना हो, तो वहाँ आप क्या कीजिएगा। तो जब आप उन्हें सेटलमेंट करने लगे तो सेटलमेंट आप कीजिए, लेकिन सेटलमेंट के जरिए आपको अच्छा खासा लैंड आपको उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा लैंड जहां इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था हो, वहां का जो लैंड हो वो अच्छा खासा फर्टाइल हो। आप ऐसा ही लैंड उन्हें देंगे ना, आप ड्राई लैंड तो आप देंगे नहीं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। आपने उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वालों को लैंड तो ज़रूर दिया, लेकिन वो लैंड क्या था, वहाँ वाटर बहुत स्केयर था, यानी बहुत दूर था, फैला हुआ था, आप उसको इरिगेशन की आप वहाँ व्यवस्था नहीं कर पाए। साथ ही साथ लैंड क्या है, बहुत ड्राई है, बहुत सूखा है, और जब लैंड ड्राई है भाई तो या आप वाटर दीजिए उन्हें, फर्टिलाइजर्स की व्यवस्था करिए जिससे वो क्या करे, उस लैंड को अच्छा खासा फर्टाइल लैंड बना सके। आप ना उन्हें वाटर्स दे रहे हैं और ना ही किसी प्रकार का उन्हें फर्टाइल लैंड दे रहे हैं, तब तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट झूम कल्टीवेटर्स हु टुक टू प्लाउ कल्टीवेशन ऑफन सफर्ड। वो लोग, वो झूम कल्टीवेटर्स जो प्लाउ कल्टीवेशन पे डिपेंड थे, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी। एक तो प्लाउ की भी व्यवस्था इनके पास नहीं थी, एक प्लाउ पे अच्छा खासा खर्च होता था, कहाँ आप इतना खर्च करोगे। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, इसलिए उनके ज़मीन क्या होती थी, अच्छा पैदावार ही नहीं देती थी। अरे भाई, जब वाटर है ही नहीं, जब आपका लैंड फर्टाइल है ही नहीं, तो हवा में थोड़े ही अनाज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा खासा अनाज प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, क्लियर। तो क्या हुआ, सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो नॉर्थ ईस्ट के जो झूम कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने कहा जब आप मुझे फर्टाइल लैंड नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अच्छा खासा इरिगेशन की व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं, तो भैया हम आपके अंडर में काम नहीं कर पाएंगे। हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, यानी घूम के इधर से उधर खेती करना, हम वही करेंगे।
आप मुझे वो सुविधा ही नहीं दे रहे हैं जिस पे मैं आराम से खेती कर सकूं। इसलिए जो मेरा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी जो हम अब तक खेती करते आ रहे हैं, जैसे उसी तरह की हम खेती क्या करेंगे करेंगे, आप मुझे वो लैंड प्रोवाइड कीजिए। फेसिंग वाइस इज पर प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी एंड शिपिंग कल्टीवेशन सम पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर दिया इन झूम कल्टीवेटर्स ने। इन्होंने कहा एक तो आप लैंड नहीं दे रहे, हमें जीने खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम जब वैसे ही मर रहे हैं तो भैया हम लड़ाई लड़के लड़े अपने लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने जो मेरा वो है उसे हम प्राप्त करेंगे, जो इस तरह हम खेती करते चले आ रहे हैं वो आप हमें दीजिए, अगर आप वो दे नहीं सकते तो हमें पुराना मेथड ही काम करने दीजिए। तो उन्होंने एक प्रकार का रेवोल्यूशन, एक प्रकार का एक स्ट्राइक कर दिया, और उस स्ट्राइक के जरिए उन्होंने अपने जो अधिकार थे उसको फिर से फाइंड कर लिया। क्लियर? तो उन्होंने जो स्ट्राइक किया, कहा जाता है वो स्ट्राइक सक्सेस हो गया, और उस एरिया में, यानी जो एरिया ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए ख़तरनाक हो रहे थे, उस एरिया में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से उन्हें शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का परमिशन दे दिया, यानी आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन उन्हीं एरियाज़ में, जिन एरियाज के लोग ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन किए थे, यानी उन्होंने हथियार उठा लिया था कि भाई हमें मेरा अधिकार चाहिए किसी भी कीमत पे और वो आप मुझे दीजिए, उस एरियाज में क्या किया, ब्रिटिशर्स ने उन्हें परमिशन दे दिया था शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स करने का। क्लियर? तो ब्रिटिशर्स से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या प्रॉब्लम हुई, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स उसके प्रॉब्लम को फेस कैसे किए वो आपने देख लिया। आइए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिन पॉइंट्स से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स लाइफ को इफेक्ट किया। तो पहला आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन देख लिया, दूसरा देखिए और वो है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट। यानी ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लिए एक नए नए प्रकार का कानून ला रहे हैं, क्योंकि उस कानून के जरिए वो फॉरेस्ट पे अपना राज कायम करेंगे, इसीलिए वो कई फॉरेस्ट लॉ लाए हैं, और इस फॉरेस्ट लॉ के जरिए उन्होंने ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया। तो अगर मैं मैं आपके पॉइंट पूछ लूँ कि ब्रिटिशर्स कॉलोनी से किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा ट्राइबल्स के लाइफ पे, तो पहला आप बता सकते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को बंद करने से प्रभाव पड़ा, और दूसरा फॉरेस्ट ला के आने से प्रभाव पड़ा, यानी फॉरेस्ट ला आया, इससे भी ट्राइबल्स लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। आपने देखा भी है, पीछे पढ़ाया भी गया था कि जो ट्राइबल्स लाइफ है ये लाइफ पूरी तरह डिपेंड है फॉरेस्ट पे, वहीं से खाना पीना रहना सब कुछ फॉरेस्ट में ही, वहीं से फॉरेस्ट पे इनकी पूरी लाइफ डिपेंड है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इन्हें लाइफ सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इनकी पूरी लाइफ किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे ही डिपेंड है। और आप फॉरेस्ट को ही अगर रूल और रेगुलेशन में बांध देंगे, फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे, तो वो निश्चित तौर पे अच्छा नहीं होगा ट्राइबल्स के लिए। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट ला वगैरह लाएंगे वो इनके लाइफ को बहुत बड़ा चेंजिंग करेगा। तो आपने देख लिया, सो चेंजेस इन फॉरेस्ट ला हैड ए कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल्स लाइफ। यानी अगर आप फॉरेस्ट को लेकर कोई रूल और रेगुलेशन बनाते हैं, फॉरेस्ट कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट कितना होना चाहिए, फॉरेस्ट रिजर्व होना चाहिए, अगर इस प्रकार का आप नियम कानून बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कोई होगा तो होगा सीधे और सीधे ट्राइबल्स। The British extended their control over all forest and declared that forest was state property. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट में अपने इफेक्ट को, अपने प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा लिया, यानी हर एक फॉरेस्ट को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। यानी फॉरेस्ट किसी का नहीं है, न ट्राइबल्स का है, न किसी का है, बल्कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट स्टेट का है, और अगर आप उस पर अपना दावा करते हैं तो वो दावा आपका गैर कानूनी हो जाएगा, उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। आप जानते ही हैं 1757 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स का ही राज रहा है पूरे इंडिया में। ब्रिटिशर्स का राज पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक संसाधनों, हर एक रिसोर्स पे भी रहा है, यहाँ तक कि नदी पहाड़ जंगलों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो सबसे बड़ा अधिकार जमाने वाले
जो रिजाइम है वो रिजाइम आपका मौर्याज है। मौर्याज का एरिया पूरे इंडिया में था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रिटिशर्स का राज उन मौर्याज से भी ज़्यादा हो गया था। मौर्यों ने कम से कम नदी, पहाड़ों, पर्वतों पे अपना अधिकार नहीं जमाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक भी चीज़ को बख्शा नहीं था, हर एक चीज़ पर अपना अधिकार जमा के रखा था। क्लियर? तो जब इंडिया पर राज है तो इंडिया के संसाद रिसोर्सेज पे भी आपका राज कायम हो जाएगा। और आपने राज किया है इंडिया के फॉरेस्ट पे, और आपने क्या किया, जो ट्राइबल्स का घर था, जो ट्राइबल्स का फूड था, उन सब को आपने क्या किया, स्टेट प्रॉपर्टी घोषित कर दी। क्लियर? सम फॉरेस्ट वेयर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर द प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वॉन्टेड। हाँ, कुछ फॉरेस्ट को क्या किया, इन्होंने रिजर्व कर लिया। भैया इस फॉरेस्ट में कोई जा ही नहीं सकता। उन वहाँ जो ट्राइबल्स वगैरह थे उनको मार कर वहाँ से भगा दिया कि भैया आप लोग यहाँ से चले जाइए, दूसरे जंगलों में जाइए। उस फॉरेस्ट को इन्होंने क्या किया, खुद के लिए रिजर्व कर लिया। और वहाँ रिजर्व करके ये किसकी खेती कराते थे, टिम्बर की। और आप समझ ही सकते हैं टिम्बर की कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है। ब्रिटिशर्स जानते थे कि यूरोप में टिम्बर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, उस कुछ फॉरेस्ट को इन्होंने अपने लिए रिजर्व कर लिया और वहाँ जबरदस्ती ये टिम्बर की खेती करवाते थे। आपको पता होना चाहिए बिना परमिशंस के आप उस जंगल में जा नहीं सकते, बिना परमिशंस से आप लकड़ी नहीं काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस जंगल को ब्रिटिशर्स ने अपने लिए रिजर्व कर लिया और उस रिजर्व फॉरेस्ट पे केवल और केवल ये टिम्बर की खेती करते थे। इन दीज फॉरेस्ट पीपल वेयर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। आप इस जंगल में फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये फॉरेस्ट लॉ बन चुका है। प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स आर हंट एनिमल्स। केवल झूम कल्टिवेटर्स यहाँ जा सकते थे फ्रूट को कलेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए, वो भी केवल और केवल पूछ कर, यानी बिना पूछे आप उस जंगल में नहीं जा सकते। हाउ वेयर झूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच ए सिचुएशन। अब आप भी बताइए आप उस जंगल में जा ही नहीं सकते थे, उसी जंगलों पे झूम कल्टिवेटर्स डिपेंड थे फ्रूट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, आप वहाँ जा ही नहीं सकते। तो आप बताइए इतने टफ सिचुएशंस में आप कैसे रह पाइएगा। मैनी वर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क एंड लेवलीहुड। कई लोगों को फोर्सली मजबूर किया गया किसी और एरिया में चले जाइए आप वर्क के लिए, लेवलीहुड के लिए, क्योंकि ये जंगल ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व है, आप इस जंगल में नहीं आ सकते, ऐसा आपने फोर्स किया है उनको। क्लियर? और उनको यहाँ से बाहर मूव करा दिया है कि आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, वहाँ आप चाहे जो करिए, लेकिन इस जंगल में आप नहीं आ सकते, क्योंकि ये जंगल रिजर्व है और यहाँ पे केवल और केवल टिम्बर की ही खेती कराई जाएगी। अब आप सोच सकते हैं जो इंसान उस जंगलों पे डिपेंड है उनकी लाइफ कैसे चलेगी, कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ट्राइबल्स के सामने इस ब्रिटिश फॉरेस्ट ला के आने से। क्लियर? पहला पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल्स पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड फॉरेस्ट। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फॉरेस्ट पे, फॉरेस्ट के घर को ट्राइबल्स के लिए रोक लगा दी कि आप ट्राइबल्स यहाँ नहीं जा सकते, फॉरेस्ट में नहीं जा सकती, दे फेस्ड ए प्रॉब्लम। तो उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स लेबर टू कट ट्री फॉर रेनवे, स्लीपर्स एंड ट्रांसपोर्ट लॉन्ग। भैया अगर आप उन ट्राइबल्स को इन जंगलों में नहीं जाने देंगे तो आप जंगलों में काम किससे कराएंगे, काम कराने के लिए आप ट्रीज कटवाएंगे किससे, उन्हें लोडिंग किस पे कराएंगे, इनके लिए तो आप लेबर्स चाहिए, और वो लेबर्स आपको केवल और केवल ट्राइबल्स में ही मिल सकता है। यानी फिर से इनको ट्राइबल्स की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि बिना ट्राइबल्स के हेल्प से ये फॉरेस्ट लेकर भी क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स वैसे भी सूट बूट वाले हैं, कहाँ सूट बूट पहन के जाएंगे वो, वहाँ अच्छा खासा लोडिंग वगैरह करेंगे, लॉक को उठाएंगे, हो ही नहीं सकता, उनका सूट नहीं गंदा हो जाएगा, इतनी मेहनत से उन्होंने कमाया है इंडिया में अच्छा खासा, ठीक है, तो वो हाँ गंदा कैसे करेंगे अपने कपड़े को। तो वो क्या करेंगे, उन्हें फिर से ट्राइबल्स की ज़रूरत पड़ी। यानी ट्राइबल्स को आप पूरी तरह जंगलों से भगा नहीं सकते, क्योंकि जंगलों में जो वर्क करना होगा, वहाँ से जो लॉक्स वगैरह उठाना होगा, लोडिंग करना होगा, वो अंग्रेज तो करेंगे नहीं, वो करेंगे लेबर्स, और वो लेबर्स आपको इन्हीं ट्राइबल ग्रुप से ही मिलेगा। क्लियर?
कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम विथ वे सोल्यूशन। कॉलोनियल जो ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिशर्स ने इसका एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार का सोल्यूशन निकाला, उस सोल्यूशन के जरिए ये किस प्रकार काम करवाएंगे, आइए देखते हैं उस पॉइंट को। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव हिज झूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट दीज ऑन द कंडीशन दैट दोज who lived in the villagers would have to provide labor to the forest department and took after the forest। lamba sentence hai, samjha de raha hu shortcut mein। ye kahan gaye, ye seedhe jhum cultivators ke paas gaye। clear, angrez hoshiyar the, padhe likhe the hi, jante hi hain, aur indians us samay tribals to aur padhe likhe nahi the, kam se kam samanya log kuch padhe bhi ho, tribals to aur par padhe likhe nahi the, to ye gaye seedhe tribals ke jhum cultivators se milne। इन्होंने कहा झूम कल्टीवेटर्स जी, मेरे फॉरेस्ट ला के आने से निश्चित तौर पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी, ये मैं समझ रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं आपको मैं फॉरेस्ट में एंट्री करने का परमिशन दे दूँगा। क्लियर, आप फॉरेस्ट में एंट्री करिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रूट्स भी कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन आप ट्रीज़ को कट नहीं कर सकते बिना मेरे परमिशंस के, ठीक है। लेकिन बदले में इसमें आपको क्या करना होगा, मुझे लेबर्स प्रोवाइड करिए अपने गांव से, जो आपके लोग हैं, जो आपके एरियाज हैं, जिनके पास लैंड नहीं है, जो खाने के लिए दिक्कत जिनको हो रही है, उनको एज ए लेबर मुझे दीजिए, वो मेरे यहाँ फॉरेस्ट को कट करेंगे मेरे कहने पर, और वो लोडिंग करेंगे सामानों का इधर से उधर, वो मेरे हिसाब से काम करेंगे। अगर आप ऐसा उनसे करने के लिए कहते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम जंगलों में आपको परमिशन दे देंगे, आप जंगलों में जाइए और वहाँ आप खेती कर, वहाँ आप जो काम करना हो, फ्रूट्स वगैरह बीनना हो, कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप पेड़ों को कट नहीं कर सकते। सो इन मेनी रीजंस द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई टू चीप लेबर। क्लियर, इस प्रकार इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड भी आपका अंग्रेजी होगा, इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, हर एक गांव में कुछ लेबर्स को क्या किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उन्हें उन फॉरेस्ट में काम करने के लिए ले आना शुरू कर दिया। Many tribals group reacted against the colonial forest law। कई सारे tribals group ने colonial rule के खिलाफ एक प्रकार का movement करना शुरू कर दिया। भाई आप उनका घर छीन ले रहे हैं, आपके परमिशन से वो जाएंगे, आप परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं जाएंगे, आप इतनी बड़ी उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। जब खाने के लिए खाना ना हो, तो वो खाना अगर उन्हीं का है और आप छीन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो ट्राइबल्स भी आपको चैन से उस खाने को खाने नहीं देंगे। और उस ट्राइबल्स ने भी सोच लिया है कि भैया हमें अपना खाना चाहिए किसी भी कीमत पे। Disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal and at times rose in open revolution। अब उन्होंने क्या किया भैया, एक प्रकार का रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके बनाए फॉरेस्ट लॉ से ना वो चैन से जी पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम मूवमेंट करेंगे, हम रेवोल्यूशन करेंगे, और उस रेवोल्यूशन करने से हम अपने अधिकारों को वापस लेंगे। अब उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें चाहे जो कुछ क्यों ना करना पड़े। क्लियर, सच वाज द रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906। तो याद रखिएगा 1906 में एक असम में एक ट्राइबल्स रेवोल्यूशन हुआ था, उस ट्राइबल्स रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, संग्राम संगमा। इसी तरह फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ 1930 में, कहाँ हुआ था, सेंट्रल प्रोविनेंस में। सेंट्रल प्रोविनेंस यानी आपके एमपी और यूपी का क्षेत्र, हाँ जी, सेंट्रल प्रोविनेंस मीन्स यूपी और एमपी का क्षेत्र, उसी को सेंट्रल प्रोविनेंस कहते हैं। कुछ लोग केवल यूपी को ही सेंट्रल प्रोविनेंस कहते हैं, तो वो सेंट्रल प्रोविनेंस नहीं था, नॉर्थ प्रोविनेंस था। क्लियर, सेंट्रल प्रोविनेंस में यूपी और कुछ एमपी का क्षेत्र भी आ जाता है, झांसी वांसी का जो एरिया है एमपी का थोड़ा बहुत, वो भी आ जाता है सेंट्रल प्रोविनेंस में। क्लियर, तो 1930 में याद रखिए कि सेंट्रल प्रोविनेंस में फॉरेस्ट सत्याग्रह किया ट्राइबल्स के द्वारा। असम में 1906 में एक सत्याग्रह किया गया जिसे संग्राम संगमा सत्याग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ये आप समझ सकते हैं पहला इफेक्ट क्या पड़ा है, पहला इफेक्ट झूम कल्टीवेटर्स का पड़ा, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा, फॉरेस्ट लॉ का पड़ा है, और तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं आपके ट्रेड को लेकर। ट्रेड को लेकर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है अंग्रेजों और ट्राइबल्स के बीच में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्राइबल्स ने फिर से एक मूवमेंट करना शुरू कर दिया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। सबसे बड़ी बात ये है, ये जो ट्राइबल्स हैं, ये और लाइफ सर्वाइव करना जीते जिए
सीखे ही नहीं है, मैक्सिमम सब फॉरेस्ट पे ही डिपेंड करते थे। वो ट्रेडिंग भी अगर करते थे तो फॉरेस्ट से ही रिलेटेड ट्रेडिंग करते थे, अगर वो खेती कल्टीवेटर्स करते थे तो कल्टीवेटिंग भी कहीं ना कहीं थे। क्लियर? तो सब कुछ इनका फॉरेस्ट पे ही डिपेंड था। तो ये अगर आप फॉरेस्ट ही इनसे वो छीन लेंगे तब तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। आप उनके सामान, आप उनके रहने के संसाधनों को, उनके खाने के संसाधनों को, उनके घर को छीन रहे हैं तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? निश्चित तौर पे उसका रिएक्शन तो देखने को ही मिलेगा, और वो रिएक्शन इंडियाज़ के हर एक पार्ट में देखने को मिला। आपको पता होना चाहिए पूरे इंडिया में नई में कम से कम 100 रेवोल्यूशन हुआ है ट्राइबल्स के द्वारा। 100 रेवोल्यूशन किए हैं, सब बहुत रेवोल्यूशन किए हैं। मुंडा रेवोल्यूशन, संथाल रेवोल्यूशन, दो आपने यही पढ़ा है, एक फॉरेस्ट सत्याग्रह, संग्राम, संगमा, बहुत सारा रेवोल्यूशन, 100 रेवोल्यूशन किया होगा कम से कम ट्राइबल्स ने। और ऐसा नहीं कि सब में अनसक्सेस हुए, सब में बहुत सारे रेवोल्यूशन में ये सक्सेस भी हुए हैं, अच्छे खासे उनको सक्सेस मिला है। तो वो पॉइंट आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट नोट कर लो, इसका निगेटिव पॉइंट दो नोट कर लो कम से कम, कि ब्रिटिश कॉलोनी से क्या इफेक्ट पड़ा ट्राइबल्स की लाइफ का। तो पहला हेडिंग में ले लेना, हेडिंग लिख लो, बाद में उसको एक्सप्लेन कर देना झूम कल्टीवेटर्स का, और दूसरा एग्जांपल ले लेना फॉरेस्ट लॉ का। ये पिक्चर देखो, एक गुरुद्वारा ओवन वीविंग काम कर रही हैं बेचारी सब औरतें। चलिए आइए देखते हैं ट्राइबल्स जो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग में ट्राइबल्स कुछ करते थे ना पीछे बताया गया है, उनकी लाइफ भी किस प्रकार इफेक्ट पड़ी है, कैसे प्रभाव पड़ा है उनकी लाइफ में, उस पॉइंट को देखते हैं। पीछे हमने पढ़ा है ना कि किस प्रकार ट्रेडिंग भी करते हैं ट्राइबल्स, आइए देखते हैं। During the 19th century, tribals group found that traders and moneylenders were coming into the forest more often. 19th century में इन्होंने देखा कि जो traders हैं और moneylenders हैं ये जंगलों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी जंगलों पे इनका कहीं ना कहीं trading पूरी तरह से depend है, यानी जंगलों से जो ये सामान मिलता है वो मनी लेंडर्स और ये ट्रेडर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बात को ये ट्राइबल्स जान गए वांटिंग टू बाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि ये बहुत मतलब चाह रहे हैं कि फॉरेस्ट को, प्रोडक्शन को, फॉरेस्ट चीज़ों को ये खरीदें। ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, साथ ही साथ ये उनके सामानों का उन्हें अच्छा खासा रेट भी देते हैं, रेट के साथ साथ उन्हें कुछ वेजेस भी देते हैं कि भैया आप चलो हमारे लिए इसी प्रकार का काम करो जो आप यहाँ बनाते हो, वो चलो मेरे फैक्ट्री में बनाओ, उसके लिए हम आपको वेजेस देंगे। तो ट्राइबल्स ने ये जान लिया कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो इंडिया में बढ़ रही हो या कहीं भी बढ़ रही हो, यानी फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो ये मनी लेंडर्स जैसा इनके साथ कहते थे, मनी लेंडर्स इनको अच्छे खासे रेट में सामान बेचते थे, मनी लेंडर्स उस सामान को खरीद के ले जाते थे, तो ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता था। क्लियर? 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की ये बात है, तो ट्राइबल्स अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे उस फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, जिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ये मनी लेंडर्स और अच्छे खासे आपको ट्रेडर्स को बेचते थे। क्लियर? ठीक है, इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, लेकिन ये क्या करने लगे, धीरे धीरे जो ये लैंड ओनर्स और ट्रेडर्स हैं ना, ये धीरे धीरे ट्राइबल्स का फ़ायदा उठाने लगे। यानी वो जब जंगलों में जाते तो ट्राइबल्स से कहते हैं ऐसा है तुम्हारे सामान की डिमांड मार्केट में गिर रही है भाई, वो 2 ही रुपये में बिक रहा है, और 2 ही रुपये में बिक रहा है, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, भैया ऐसा करो मुझे ये सामान 1.5 रुपये में दो तो ही मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। यानी उनके सीधेपन का ये फ़ायदा लेने लगे, और 1.5 रुपये में वो खरीदते और 1.5 रुपये में खरीद लेते, लेकिन जब मार्केट में जाते तो उसी सामान को वो कहा जाता है 100 रुपये में बेचते थे या 50 रुपये में बेचते थे। यानी 1 रुपया तो इनसे ज़रूर कहा गया, लेकिन सच तो ये है 1 रुपये में नहीं बल्कि उसको 100 रुपये में बेचा गया, और उसका अच्छा खासा फायदा इन्होंने उठाया है।
ट्राइबल्स तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो मार्केट में जाकर पता नहीं कर पाते कितने रुपए में बिक रहा है, क्या बिक रहा है। तो इससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिए हैं और उस फायदे का रिजल्ट ये आया कि ट्राइबल्स को उनके पूरे मेहनत का अच्छा खासा पैसा नहीं मिल पा रहा था। यानी मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स जो हैं ये भी होशियारी दिखा रहे थे ट्राइबल्स ग्रुप से। लेट अस कंसीडर, एक मान लो लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर, एक ऐसे ट्राइबल्स को उठा लो जो क्या कर रहा है, सिल्क को ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज डिमांड यूरोपियंस मार्केट। 18th सेंचुरी में क्या है, इंडियन सिल्क का बहुत ज़्यादा डिमांड क्या है, यूरोप के मार्केट में है। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट परमिट इंक्रीज रैपिडली। तो जब यूरोप में डिमांड बढ़ेगी सिल्क का तो क्या होगा, इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा सिल्क का वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाएगा। लगातार देखा गया ऐसा कि 18th सेंचुरी में जो सिल्क का ट्रेडिंग है, यानी इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है सिल्क का बाहर के देशों में, वो बहुत ज़्यादा अचानक बढ़ गया। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ के सिल्क की सबसे बड़ा था क्वालिटी बहुत अच्छी थी और क्वालिटी अच्छी होने की वजह से उसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी और यूरोप में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से उसका अच्छा खासा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। As the market expanded, East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. और जब उनकी डिमांड सिल्क की बढ़ने लगी तो ये अंग्रेज क्या करने लगे, अब सिल्क की जब डिमांड बढ़ रही है तो ब्रिटिशर्स क्या किए, ट्राइबल्स को मजबूर करने लगे कि भैया तुम सिल्क का प्रोडक्शन करो, सिल्क का प्रोडक्शन जितना करोगे उतना मैं आपको पैसा दूंगा। अब वो क्या करने लगे, सब कुछ खेती बाड़ी छोड़कर वो सिल्क का ही प्रोडक्शन करने लगे और ब्रिटिशर्स उसको यहाँ से क्या करते, यूरोपियंस कंट्री में भेजते और उससे अच्छा खासा पैसा उठाते थे। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, हजारीबाग इसमें कहाँ है, झारखंड में है। वाज एन एरिया वेयर द संथाल्स रिकॉर्ड कोकून्स, आपको पता होना चाहिए इस एरिया में कौन बसता है, ट्राइबल्स संथाल, और वो किसका प्रोड्यूस करते थे, कोकून्स का। कोकून्स क्या है, कोई कॉफी वगैरह, कोकून्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल्स पीपल एंड कलेक्टेड देयर कोकून्स। तो क्या करते थे वो, इन ट्राइबल्स ग्रुप से लैंड ओनर से ब्रिटिशर्स कंप्रोमाइज़ करते और लैंड ओनर्स के थ्रू इन्हें मजबूर करते थे कोकून्स का प्रोड्यूस करने को। ये बेचारे सिल्क का अच्छा खासा प्रोडक्शन करते थे तो सिल्क के प्रोडक्शन को रोक करिए क्या करते, कोकून्स का प्रोडक्शन करते थे। द ग्रोअर्स वेयर पेड 3 to 4 rupees फॉर ए 1000 कोकून, कोकून्स के लिए लगभग 3 to 4 rupees पेड करते थे ये जो ग्रोअर्स थे। दीज वेयर देन एक्सपोर्टेड टू बर्डवान और गया वेयर दे आर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। आपको पता होना चाहिए बाहर जब ये बन के जाता था तो लगभग 5 गुने दाम पे बिकता था। द मिडिल मैन सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोअर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। ठीक है, तो जो मिडिल मैन था, यानी जो ट्राइबल्स और ट्रेडर्स के बीच का जो मिडिल मैन था, जो अंग्रेजों के बीच का मिडिल मैन था, अंग्रेज और ट्राइबल्स के बीच का, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमाता था। द सिल्क ग्रोअर्स अर्नड वेरी लिटिल, सिल्क के ग्रोअर बहुत कम पैसा कमाते थे। अंडरस्टैंडली मेनी ट्राइबल्स ग्रुप्स आर द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एट देयर मेन इनमीज। कुछ ट्राइबल्स क्या हुए, वो मार्केट में गए और मार्केट में पता चला कि भैया उनके सिल्क इतने ज़्यादा दाम में बिक रहे हैं, उनके ककूंस इतने ज़्यादा दाम में बिक रहे हैं, तो इन ट्राइबल्स ने समझ लिया कि जो ये बीच वाला है, बीच का जो ट्राइबल जो बीच का ये मीडिएटर है, यानी ये ट्रेडर्स, ये बहुत ही बड़ा दुष्ट इंसान है, हमको अच्छा खासा लूटता है। तो वो क्या हो गया, इनका एक तरह से इनमे बन गया। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग किस प्रकार लाइफ इफेक्ट की है ट्राइबल्स की। पता चले सिल्क का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं नहीं ऐसा है, मार्केट में कॉफ़ी की डिमांड है, तो कॉफ़ी का डिमांड करने के लिए आपने उनसे कॉफ़ी की खेती करानी शुरू कर दी। अब उनका लैंड पता चल रहा है वो सिल्क के लिए बेहतर है तो वहाँ आप कॉफ़ी की खेती करा रहे हो। पता चला टी की डिमांड बढ़ रही है, इंडिगो की डिमांड बढ़ रही है, तो आप इंडिगो की खेती करवा रहे हैं। यानी समय समय पर उनके प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, आप चेंज कर रहे हैं। चेंज करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना पैसा तो दे दो कि वो सर्वाइव कर पाए। आप उनको अच्छा खासा पैसा भी नहीं दे रहे हो और बार बार प्रोफेशन चेंज करा रहे हो, प्रोफेशन भी चेंज हो रहा है, अच्छा खासा पैसा भी चेंज नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये ट्राइबल्स में एक प्रकार की नाराज़गी तो होगी ही और वो नाराज़गी अभी ट्राइबल्स ग्रुप में देखने को मिलती है। क्लियर? तो आपने देख लिया है तमाम पॉइंट आज मैंने पढ़ाया आपको। देखा मैंने पहला पॉइंट बताया कि किस तरह ब्रिटिशर्स के रूल्स अफेक्ट किए हैं ट्राइबल्स लाइफ में। आपने उसमें पहला देखा झूम कल्टीवेटर्स पे जो इन्होंने रूल और रेगुलेशन लाया, लैंड सेटलमेंट आया, वो नाराज़गी का कारण बना।
दूसरा आपने देखा फॉरेस्ट जाल जो लाया, फॉरेस्ट लॉ कहीं ना कहीं नाराजगी का कारण बना, जो रिजर्व फॉरेस्ट आपने कर लिया। तीसरा पॉइंट आपने देखा कि ट्रेड के साथ भी आप एक प्रकार का घिनौना काम कर रहे हैं, ट्रेड को लेकर भी उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और इससे भी क्या हो रहा है, जो ट्राइबल्स ट्रेड पर डिपेंड है, यानी जो सिल्क को प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है, जो ककून्स को प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है, जो टी को प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है, उसके लाइफ को भी आप चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, कभी किसी का प्रोडक्शन कभी किसी का प्रोडक्शन, यानी यूरोपियंस मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है आप उसी का खेती कराने लगते हैं, तो इससे बाबू इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ी है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग है द सर्च फॉर वर्क, द प्लाई ऑफ द ट्राइबल्स हु हैड टू गो अवे फ्रॉम देयर होम्स इन सर्च ऑफ वर्क वाज इवन वर्स। क्लियर? अब जब आप इन्हें चैन से जीने नहीं दोगे तो ये ट्राइबल्स क्या करेंगे, उस एरियाज में जाएंगे जिस एरिया में इन्हें अच्छा खासा कम से कम जॉब मिले, वर्क मिल सके, तो ये क्या कर लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिए। मूव तो आपने ज़रूर किया लेकिन निश्चित तौर पे वो आपके लिए अच्छा नहीं था, वो आपके लिए बहुत बड़ा वर्स साबित हुआ। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। क्लियर? अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में जो टी प्लांटेशन हुआ और माइनिंग हुआ, ये मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री बन चुकी। ट्राइबल्स वेयर रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द लोकल माइंस ऑफ झारखंड। अब क्या हुआ, ट्राइबल्स को बहुत बड़ी मात्रा में टी प्लांटेशन में और कोल माइंस में क्या किया जाने लगा, भर्ती किया जाने लगा। दे वर रिक्रूट थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हु पेड देम मेजरी लो वेजेस एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। ट्राइबल्स बेचारे गए ये सोच कर कि मुझे अच्छा खासा जॉब मिलेगा, चलो दूसरी जगह ही चलते हैं, तो बीच में बहुत उन्होंने कष्ट भी सहा, और जब वहाँ उन्होंने पहुँचे तो पता चला वहाँ क्या है, दो ही वर्क हो रहा है शहरों में, एक टी प्लांटेशन हो रहा है, दूसरा माइनिंग का वर्क हो रहा है, आप किसी में भी वर्क कर लीजिए। तो इतने दिन से वो बेचारे ऐसे ही घूमे टहले हैं, कुछ उनको मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चलो ठीक है भाई हम माइनिंग में काम करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, तो बहुत कम वेजेस देते थे, बहुत कम वेजेस देते कि आपको इतना पैसा ही मिलेगा। ये हाल केवल एक जगह का नहीं बल्कि इंडियाज के हर एक रीजन में कुछ ऐसा ही हाल था, यानी वेजेस बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते थे। जब आप वेजेस उन्हें कम मात्रा में देंगे तो निश्चित तौर पर उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब मजबूरी है, करें तो क्या करें भाई, अब एक जगह से दूसरी जगह गए हैं वर्क की तलाश में, आपको पता चल रहा है यही वर्क आपको वहाँ भी करना पड़ेगा, यही वर्क वहाँ भी करना पड़ेगा, यानी वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा वर्क है और एक ही वेजेस हर एक जगह पे है, तो क्या करेंगे, वो मजबूरी में वहाँ काम करने लगेंगे। मजबूरी में काम करने कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं भाई, हम लोग जब तक अपने घर में थे तब तक हम लोग को लग रहा था कि बाहर की दुनिया बड़ी अच्छी है, लेकिन जब हम लोग बाहर आ गए तब तो पता मुझे चला कि हमारे घर से भी ज़्यादा हालत इनकी ख़राब है, तो हम ऐसा करते हैं रिटर्न टू होम, अपने घर चलते हैं, और जैसा हम जीते थे वैसा ही जिएंगे। अगर कोई हमारे बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा, चाहे वो अंग्रेज हो या लैंड ओनर्स हो या कोई भी क्यों ना हो, तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि हम उसी तरह की लाइफ जीना चाहते हैं जैसी लाइफ हम जीते चले आ रहे हैं। तो चलो चलते हैं वापस अपने घर उन्हीं जंगलों में और उसी प्रकार की लाइफ जीते हैं जैसे जीते थे, देखते हैं जो होगा आगे देखा जाएगा, क्योंकि बाहर आने पर भी हमें इसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़ रहा है। कष्ट हमें झेलना पड़ता तो प्रॉब्लम नहीं, कष्ट हमारे बच्चों को भी झेलना पड़ रहा है। ये देखो एक औरत किस तरह अपने बच्चे को बेचारी पीठ में बांधी हुई है और वर्क कर रही है। मैट बना रही है, चटाई जो होता है। फॉर होम एंड डोमेस्टिक वर्क वॉज नॉट कन्फाइंड एट द होम, दे कैरीड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड एंड द फैक्ट्रीज। देखो किस प्रकार अपने बच्चे को क्या कर रही है, बेबीज को कहीं फील्ड या फैक्ट्री में वर्क करने के लिए लगा देती है, फिर अपना वर्क करती है। अगर बच्चा छोटा है तो किस तरह वर्क करे, सोचो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दुख इस बात का है कि वो इतना मेहनत करते हैं, अच्छा खासा पैसा मिल सकता है इनको, लेकिन जो बीच में ट्रेडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो इनको उतना पैसा लेने नहीं दे रहे हैं। आ जा रहे हैं जंगलों में, कह रहे हैं कि ऐसा है, लाओ सामान बेच दो इतने रुपए में, आप भोली भाले हैं, आपको जानते नहीं, उनको कम पैसे में ही वो सामान दे रहे हैं और वो अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहे हैं, उस सामान को ले जाके मार्केट में अच्छे खासे रेट पे बेच रहे हैं। सर ये क्यों नहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो ये मार्केट में जाएंगे कैसे, ना रेट का पता, ना पढ़े लिखे हैं, कुछ इनको आता है कुछ नहीं आता है, इनको जो पैसा मिल जा रहा है थोड़ा बहुत वो समझ रहे हैं यही बहुत ज़्यादा है। जिस दिन तुम मार्केट में जाओगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा ना कि मार्केट में रेट क्या है। ये रिटर्न टू होम क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये लोग मार्केट में गए और वहाँ पता चला कि अरे भैया जो हम लोग होम में जो कमाई कर रहे थे या होम में जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे उससे तो मुझे ज़्यादा फायदा है इन कंपेयर टू यहाँ के।
क्लियर। तो हम ऐसा करेंगे, हम घर ही चलते हैं और वही काम करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं अब आपका घर रहा ही नहीं, क्योंकि उस पूरे घर पे ब्रिटिशर्स राज कायम करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कोयल माइंस ऑफ बिहार, बिहार में 1948 में कोयल माइंस में वर्क कर रहे हैं। तो लोग देखो क्या पहने हैं बेचारे। 1920 अबाउट 50% ऑफ माइंस इन द झरिया एंड रायगंज कोयल माइंस इन बिहार वेयर ट्राइबल्स। आपको पता होना चाहिए 1920 में लगभग 50% झरिया और रायगंज जो कोयल माइंस है उसमें 50% ट्राइबल्स वर्क करते थे। वर्क डीप डाउन ऑन द डार्क एंड सफोस्केटिंग माइंस वाज नॉट ओनली ब्लैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस। अब सोचो ये जमीन के अंदर होता है ना कोयल माइंस, उसमें जाके वर्क करते, अब सोचिए कितना डेंजरस होगा, बहुत सारे लोग मरते थे। और ड्यूरिंग द कोयल माइंस इन इंडिया पता चले 1920 से हर साल लगभग 2000 वर्कर्स मर जाते थे उसके नीचे। आपने अमित जी की एक मूवी भी आई है कोयल माइंस पे, मूवी तो मुझे ध्यान में नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन आ गया था, कितना डेंजरस सिचुएशन आ गया था, कितने लोग मारे गए थे उस मूवी में। तो कोयल माइंस में ऐसा ही होता था, जिंदगी का बहुत बड़ा खतरनाक काम करते थे ये लोग, लेकिन करें ना क्या, जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही, तो ये मजबूरी में या कुछ पैसों की वजह से उसमें जाके खेती करते थे। निश्चित तौर पे ब्रिटिशर्स ने, अगर मैं बात करूँ तो हर एक लाइफ को कम से कम तोड़ मरोड़ दिया है एकदम, चाहे वो ट्राइबल्स लाइफ हुआ, चाहे फार्मर्स की लाइफ हुई, पीजेंट की लाइफ हुई, आर्टिकल्स की लाइफ हुई, नेशनलिस्ट की लाइफ हुई, बुद्धिजीवियों की लाइफ हुई, जमींदार की, मनी लैंडर्स की, ओनर्स की, हर एक की लाइफ को प्रभावित किया है। क्योंकि ब्रिटिशर्स का पर्पज केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है हर एक चीज़ का, अपना फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिए वो जो भी कर सकते थे वो सब करेंगे। क्लियर। तो ये ब्रिटिशर्स बहुत होशियार थे, इन्होंने हर एक इंसान से एक्स्ट्रा कमाने को ही सोचा कि मैं इनसे कितना फ़ायदा ले सकता हूँ, कितना मैं कमा सकता हूँ, और ब्रिटिशर्स ने उसी के अकॉर्डिंग काम भी किया है। क्लियर। तो आप समझ ही सकते हैं जो ट्राइबल्स यहाँ से बेचारे गए दूसरी जगह पे, वहाँ काम उन्होंने किया, उनको लगा नहीं अपना घर ही अच्छा है, अपना घर ही पे चल के काम करते हैं। तो ये पॉइंट हमने क्लोजर लुक देख लो, कल आज क्लोजर लुक पढ़ा के आपका चैप्टर ये रोक दूंगा यहीं पे, क्योंकि कल बिरसा मुंडा पढ़ाऊंगा और बिरसा मुंडा पढ़ा के आपके चैप्टर नंबर 4 को खत्म कर दूंगा। थ्रू द 19th एंड 20th सेंचुरी ट्राइबल्स ग्रुप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री रिबल्ट अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉ। लगभग 19 और 20th सेंचुरी में क्या किया, हर एक जगह ट्राइबल्स परेशान है, तो ट्राइबल्स ने हर एक जगह पे जहाँ जहाँ वो थे उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन करना शुरू कर दिया। इन रिस्ट्रिक्शन ऑफ देयर प्रैक्टिसेस द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लोरेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। किस किस के खिलाफ, जो वो जो काम करना चाहते थे वो काम करने दीजिए भाई ट्रेडिशनल, दूसरा जो टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं वो टैक्सेस को ख़त्म कीजिए, ट्रेडर और मनी लैंडर्स उन्हें लूट रहे हैं उनके खिलाफ भी वो एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर रहे थे। द कोर्स रेवोल्यूशन इन 1831-32 कोर्स रेवोल्यूशन कब हुआ, 1831-32 में। संथाल रिवोल्ट किया 1855 में। बस्तर रेवोल्यूशन सेंट्रल इंडिया में किया गया 1901 में। वर्ली रिवोल्ट किया गया महाराष्ट्र में 1940 में। द मूवमेंट ऑफ वेरशा लेड अस टू सच एन मूवमेंट। इन सारे मूवमेंट्स को लीड करने वाला कौन है, बिरसा मुंडा, जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। तो चार यहाँ रेवोल्यूशन है, सब लिख लो। कोल्स रेवोल्यूशन कब हुआ, 1831-32 में। संथाल का कहाँ हुआ, 1855। बस्तर कहाँ हुआ, सेंट्रल इंडिया में, यानी 1910 में। सेंट्रल इंडिया यानी एमपी, मध्य प्रदेश। वर्ली रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र में 1940 में, 1940 में। चार पॉइंट लिख लीजिए इन सबको लीड, कहीं ना कहीं इन सबके लिए एक जो होता है ना प्रेरणादायी वाक्य देना, या जो इनका हेड रहा है वो हेड बिरसा मुंडा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया चारों, बस आज आपका लेक्चर यहीं फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट टर्म पे आपका लास्ट लेक्चर होगा, यानी कल आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बिरसा मुंडा का, ये खत्म हो जाएगा। कल मैं पढ़ा दूंगा पूरा बिरसा मुंडा की कहानी, बिरसा मुंडा का क्या पार्टिसिपेशन रहा है, कि लोग उसे भगवान के नाम से क्यों जानते हैं, भगवान क्यों कहते हैं, केवल मुंडा ट्राइबल्स ही नहीं, हर एक ट्राइबल संथाल वगैरह भी इसे भगवान कहते हैं, और वो गॉड्स क्यों कहते हैं, इसका पार्टिसिपेशन क्या है ट्राइबल्स लाइफ में, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल क्लियर। तो आपका ये जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स डिकोज, ये चैप्टर कल आपका हो जाएगा फिनिश, यानी हिस्ट्री के चार चैप्टर आपके हो चुके हैं फिनिश। क्लियर।
आपकी ज्योग्राफी में अभी दो ही चैप्टर पढ़ाया गया, तो नेक्स्ट टर्म पे यानी ये जब चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा बिरसा मुंडा वाला, तो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपका एक बार ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। 1857 का रेवोल्यूशन अभी रोकूंगा, उसको बाद में डिस्कस करूँगा। यानी कल तो आपकी हिस्ट्री ही चलेगी, उस हिस्ट्री में आपके चैप्टर नंबर 4 को मैं कंप्लीट कर दूंगा, और जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा यानी वेडनेसडे को जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करूँगा मैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपके पास आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम का पोर्शन पहुंच चुका होगा, उसमें आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आ रहा है और साथ ही साथ आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जो मैं SST के क्वेश्चंस मैं भेजूंगा वो SST के क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप्स के रहेंगे, वो वन लाइनर और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो MCQ टाइप्स के रहेंगे, क्योंकि वो आपको भी करने में आसानी होगा, हम लोग को चेक करने में भी आसानी होगा, तो MCQs क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिलहाल हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, और आपके सिविक्स का जो क्वेश्चंस होगा वो प्रिय सर बनाएंगे, वो अपने क्वेश्चंस देंगे, सिविक्स का आप लोग के पास पोर्शन पहुँच गया होगा, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, मंडे से आपको एग्ज़ाम है प्रिय। बाकी इधर जो पढ़ाया जा रहा है चैप्टर नंबर 4 आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है, इसके बावजूद थोड़ा बहुत इसको पढ़ते रहिएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको भूल जाएंगी, तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, तो इन सब चीज़ों को याद रखना भी ज़रूरी है, इसलिए इन सबको भी पढ़ते रहिए साथ ही में, और साथ ही साथ अपने एग्ज़ाम्स की आप तैयारी भी करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे बिरसा मुंडा के चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 के लास्ट लेक्चर के साथ, और साथ ही साथ वेडनेसडे को जो मैं वीडियो लूँगा वो आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 लूँगा। हालांकि आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आ रहा है और ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आ रहा है, ओनली 2 चैप्टर्स, क्लियर? तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बिरसा मुंडा के साथ। ओके, थैंक यू।